वीरता, शौर्य, पराक्रम एवं जनसेवा की अनूठी मिसाल कायम करने वाले भारतीय पुलिस बलों के जवान अब राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 की परेड का आगाज करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व करेंगे 2020 की बैच के आईपीएस श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। संकल्प के साथ कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रेसर हो रही है हमारे जाबाज सिपाहियों की ये परेड। इस एकता परेड में सभी राज्यों के पुलिस बलों को सम्मिलित होने का अवसर मिले, इसलिए सभी राज्यों को 5 जोन में रखा गया है और हर जोन के एक एक राज्य इसमें शामिल हुए हैं। यह क्रम प्रति वर्ष चलता रहेगा। इस बार भारतवर्ष के तमाम राज्यों के 17 एनसीसी डायरेक्टरेट से एनसीसी कैडेट भी इस परेड में शामिल है। इस परेड की कप्तानी करते हुए 2020 की बैच के युवा आईपीएस और वर्तमान के एएसपी दाहोद श्री कोरुकुंडा सिद्धार्थ। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रेसर। इस 54 ध्वजवाहकों के दस्ते की कमान संभालते हुए बीएसएफ के युवा अधिकारी श्री गुरुप्रताप सिंह रंधावा, असिस्टेंट कमांडेंट। जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता अब है सीमा सुरक्षा बल का यह दस्ता। 193 बटालियन तथा 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मियों के साथ विश्व का यह है सबसे बड़ा सीमा प्रहरी बल, जिसके कमांडेंट है रविंदर सिंह चौहान। और अब आंध्र प्रदेश सत्यमेव जयते के उद्घोष के साथ आ रहे हैं आंध्र पुलिस के ये दस्ते। नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देकर राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस, अन्नम सुभाष DYSP है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब आ रहे हैं असम पुलिस, जनहित जनसेवार्थ के मंत्र से अपने कर्म को निभाने वाले। 10 मई 2022 को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति कलर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित DYSP पार्था प्रतिम दोबारा है इसके कमांडेंट। और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी समर्पण एवं परित्राणाय साधु नाम के ध्येय वाक्य के साथ ओतप्रोत नक्सलवाद पर भी प्रभावी अंकुश लगाते हुए DYSP अनूप कुमार लकड़ा है इस दस्ते के कमांडेंट। और अब हिमाचल प्रदेश प्रतिष्ठित राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित निर्भय, निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ हिमाचल प्रदेश पुलिस, इस टुकड़ी की कमान संभाली है DYSP संजीव गौतम ने। संरक्षणाय खलनी ग्रहणाय के आदर्श वाक्य के साथ कर्तव्यनिष्ठ है महाराष्ट्र पुलिस का ये दस्ता, जो कि भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी पुलिस बल है और इस दस्ते की कमान संभाली है DYSP संदेश नायक ने। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर, विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हिंदुस्तान के चारों कोनों से आए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के पुरुष और महिला कैडेट्स अर्धसैनिक और पुलिस बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। नेतृत्व कर रही है मिस रिया पटेल। ये शानदार परेड आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे भारत वर्ष को एकता का संदेश देते हुए और हम सभी की एकता एवं श्रेष्ठता की अनुभूति करवाते हुए, और अब परेड ग्राउंड के मध्य में अपनी बैंड की सुरावलियों से इन सिपाहियों के ये कदम से कदम मिलाते BSF और गुजरात पुलिस के बैंड कंटिजेंट, जिसमें है BSF की गुजरात पंजाब दिल्ली रेजिमेंट के जवान, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर अरुण कुमार 116 बटालियन पंजाब, इंस्पेक्टर नथु भाई गुजरात फ्रंटियर BSF, सब इंस्पेक्टर TS बराड़ी सेंट्रल बैंड मास्टर BSF, गुजरात पुलिस के बैंड टीम की कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर श्री AR चौधरी वडोदरा ग्रामीण।
और अब इस भव्य परेड के बाद आपके समक्ष उपस्थित हैं यशस्विनी। आजादी के अमृतकाल में देश अपनी नारी शक्ति को नमन कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का है दल। एकता, समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक, मेघालय शिलोंग और त्रिवेणी संगम कन्याकुमारी से 10,000 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके समक्ष एकता नगर में उपस्थित हैं। 15 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरे इस एक्सपेडिशन की महिला कार्मिक, रास्ते में महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एनसीसी कैडेट्स और लड़कियों से मिली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का संदेश लेकर चली। इन महिलाओं ने सशक्तिकरण की ज्वलंत मिसाल भी पेश की। CRPF की नारी शक्ति की इस मुहिम का समापन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष निश्चय ही गौरव का क्षण, देश के नारी शक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता यह अप्रतिम क्षण है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को विश्व की पहली सशस्त्र अर्धसैनिक महिला बटालियन गठन करने का भी गर्व प्राप्त है। समय के आयामों के साथ महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति इन वीरांगनाओं ने देश के हर क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्तव्य की बलि देवी पर 3 महिला योद्धाओं ने सर्वोच्च बलिदान भी दिया है, बल्कि महिलाओं ने लाइबेरिया और श्रीलंका में विश्व शांति प्रयासों में भी अपनी सेवाएं अर्पित की हैं। ये है CRPF की और हमारे भारत देश की यशस्विनिया। और अब नारी शक्ति का प्रतीक मोटरसाइकिल पर सवार होंगी हमारे वीरांगनाएं। देश की रक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर ये स्त्री शक्ति, ये नारी शक्ति भी आगे बढ़ रही है। ये है CRPF की वीरांगना। और अब CRPF महिला डेयर डेविल्स के द्वारा ये कर्तव्य जिसमें सबसे पहले आ रही है सलामी मंच की ओर आते हुए अभिनंदन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी सहायक कमांडेंट सीमाना। नारी शक्ति को नमन, 2 वीरांगनाओं द्वारा यह है एक विशेष प्रदर्शन, ये कर रही है नारी शक्ति को नमन। और अब एकता का प्रतिबिंब हमारी वीरांगनाएं आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की प्रेरणा मूर्ति पूजित सरदार के चरणों के समीप एकता का प्रतिबिंब लेकर हमारी वीरांगनाएं लक्ष्य प्राप्ति की ओर अधिक है। CRPF की ये यशस्विनी लक्ष्यता हमारा कर्तव्य और हमारी कटिबद्धता, देश के हैं हम रक्षक। CRPF का देश को प्रतिबद्धता जो है सर्वत्र सुरक्षा। और अब हर एक क्षेत्र में आसमान को छूने वाली ये नारी शक्ति जो कह रही है क्षितिज की भोर हमारी है, यह आकाश हमारा है और उड़ान की सीमा भी हम ही तय करेंगे। छू लो आसमान एयर कॉन्स्टेबल संगीता के द्वारा। और अब है मातृभूमि के प्रति
इनकी प्रतिबद्धता एवं संकल्प दर्शाते हुए देश के हम है रक्षक CRPF की ये नारी शक्ति, हमारे देश की ये यशस्विनियां, मां भारती के जयकारे के साथ हम सभी तालियों की गूंज के साथ इन यशस्विनियों की सराहना करें जो कि है CRPF की ओर से। जय हिंद, जय भारत कहते हुए। और अब इस राष्ट्रीय एकता परेड में ऊर्जा एवं राष्ट्र प्रेम से सबर सुमधुर शानदार प्रस्तुति सीमा सुरक्षा बल महिला पाइप बैंड के द्वारा BSF में युवा महिला पाइप बैंड की संस्कृति का विकास करने के उद्देश्य के साथ महिला पाइप बैंड की 2016 में STC BSF बैंगलोर में स्थापना की गई। वर्तमान में एक टोली में 25 महिला आरक्षक पाइपर्स शामिल हैं। करने वाली सीमा सुरक्षा बल की ये थी महिला पाइप बैंड की प्रस्तुति।